शिक्षण समिति सभापति शुभांगी बहनवाल के टेबल पर मिला एक धमकी भरा पत्र। आइए जानते हैं इस विषय में क्या है उनका कहना। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इस नारे के साथ देश में शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कई तरीके के जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं ताकि लोगों को शिक्षा मिल सके। लेकिन हमारे उल्लासनगर शहर की बात करें तो शिक्षण मंडल जो है हमेशा से ही विवादों में रहा है। ऐसे में अब एक बार फिर से विवाद सामने आया है कि सभापति को एक धमकी भरा पेपर मिला है जिसमें धमकी दी गई है कि यदि आप शिक्षण विभाग से रिलेटेड किसी भी चीज़ का आप कोई चेकिंग करेंगे या फिर जाँच करेंगे तो आपको जो है एक बहुत समय पहले एक हादसा हुआ था जिसमें शिक्षण विभाग की जब चौकसी की जा रही थी तो मनसे के पदाधिकारी मनोज सेलार के ऊपर जो है जानलेवा हमला भी हुआ था। उसी बात को लेकर जो है धमकी भरा एक पत्र जो है मिला है सभापति शुभांगी बहनवाल को। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चौकसी की जा रही थी और ये पत्र उन्हें कब मिला है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है आप पद में बैठने के बाद सभापति बनने के बाद जो है शिक्षण विभाग को दुरुस्त करने की उसके अंदर जो खामियाँ उसे पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। जी, मैं सभापति शुभांगी बहनवाल शिक्षण समिति। पहले बात तो जब हम चुन के आए थे उसके बाद तो हम 4 महीना कैबिन नहीं मिला, उसके लिए हमने भागदौड़ की। और जब हमें कैबिन मिला यहाँ पर तो हमने जब काम की शुरुआत की हमने जाना कि हम काम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने पूछा तो हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो ठीक है, मैंने चलो मिला है तो हम खुद ट्राई करेंगे, हम भी सीखेंगे इसमें कि कैसे किया जाता है काम। जब हमने स्कूल की विजिट ली तो स्कूल की विजिट में हमें इतना देखने को मिला कि हम डर गए कि बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, पूरा स्लैब अब गिरा हुआ ना। अभी तो चलो कोरोना है, इसके वजह से 2 साल तक स्कूल बंद है, लेकिन हमने सोचा कि 2 साल में अगर हम ये टाइम में हमारे पीरियड में अगर स्कूल सुधारते हैं, शिक्षण सुधारते हैं, क्यों महानगर पालिका की स्कूल इतनी बदतर हो चुकी है, बच्चे क्यों नहीं आती है, जो पढ़ संख्या पहले थी वो अब 4000 क्यों हो गई है, जहाँ 32 थी यहाँ 4000 पे क्यों आ गई है, क्यों हमारे पब्लिक स्कूल में नहीं भेजते बच्चों को। तो इसके लिए हमने जानकारी निकाली तो पता चला कि स्कूल, हमने सोचा कि चलो फंड जो मिलेगा हमें हम उससे स्कूल सुधारेंगे। तो बस, और कुछ जानकारी के हिसाब से तो आज मैं यहाँ पर आई, सुबह देखा तो डेस्क पे ये लिखा हुआ था, आपके सामने है, और इसमें लिखा हुआ है जास्त चौकशी करो नका नहीं तो तुमचा पन मनोज शेलार होइल। अभी इसको क्या कहा है, मतलब मैं एक लेडीज़ हूँ, लेडीज़ को अगर ऐसी कोई धमकी पत्र आता है तो मैं क्या करूँ, घर में बैठूँ क्या करूँगी, काम नहीं करूँ, हाँ काम करने का हक नहीं है मुझे, सभापति हूँ मैं, एक काम करती हूँ ये सब छोड़ के मैं राजीनामा देती हूँ और घर पे बैठती हूँ। इसके बारे में आयुक्त या फिर प्रशासन से वरिष्ठ से किसी से संपर्क किया गया तो क्या कहना था? आयुक्त साहब से किया, उन्होंने सपोर्ट किया, बोलते हैं आप FIR दर्ज कीजिए, मेरा फुल सपोर्ट है। और अभी हमारे जो वरिष्ठों को हमने कॉल किया वो अभी कुछ देर में यहाँ पर आएंगे। आपसे जानना चाहेंगे बनवाल जी के परिस्थितियाँ ख़राब है, स्कूल जो है लगातार बंद होते जा रहे हैं, महानगर पालिका के बच्चों की जो संख्या है वो कम होते जा रही है, लेकिन खर्चे जो है उतने ही बताए जा रहे हैं, जो कि बजट भी सामने आया था खर्चा जो है उतना ही है। पूरी कोशिश की जा रही है लेकिन इस तरीके का जो प्रेशर दिया जा रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? ये जो आपके मुद्दे है इसी मुद्दे के ऊपर हम चल रहे थे कि जो भी फंड जो आते हैं सरकार की तरफ से महानगर पालिका की तरफ से तो जो हमारे गरीब बच्चे हैं वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो इसके लिए हमने पत्र व्यवहार किया कि भाई जो भी है सरकार की तरफ से कितना आता है और अपना जो महानगर पालिका की तरफ से कितना खर्चा आता है जो बच्चे तक पहुँचे, गौर गरीब बच्चे हैं पढ़ाई नहीं है जैसे उनको टेप देना चाहिए कुछ ना कुछ, जो भी स्कीम है हम लागू करना चाहते थे। तो इसके लिए ये धमकी उमकी चालू हो गई है, कल अज्ञान फ़ोन भी आया मुझे कि क्या है तुम्हारा नाटक, मिलो आके कि कौन है, कुछ खबर नहीं, मतलब धमकी चालू हो गई यहाँ पे। मतलब इनका कहने का मतलब क्या है, गौर गरीब बच्चा मतलब आगे बढ़े नहीं, आज उल्लासनगर की शिक्षा सबसे निचले दर्जे पर आ गई है, इसके पीछे कारण कौन है वो आप भी जान सकते हैं, आप भी पत्रकार हैं, आपने भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा बहुत। अच्छा, वरिष्ठों की जिस तरीके से उन्होंने कहा कि FIR दर्ज करने के लिए कही है और उसके साथ क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से जो इस विवाद को, इस चेतावनी को, इस धमकी को जो है सामना करेंगे? अभी जो हमारे शहर प्रमुख हैं चौधरी साहब, उनको हम उससे चर्चा करेंगे और जो हमारे लांडगे साहब हैं उनसे भी चर्चा करेंगे हमारे जिला प्रमुख, उसके बाद जो निर्णय होगा हम योग्य निर्णय लेंगे उसके ऊपर। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से स्कूल की जो है हाल ही में दौरा होना था, उस दौरे के दौरान जिस तरीके से मैडम ने भी कहा कि काफ़ी खस्ता हालत देखने को मिली, तो उसके ऊपर जब जांच की गई तो किस तरीके की जो है हकीकत सामने आई, क्या खर्चा किया गया, किस तरीके से किया गया, बच्चों को जो किताबें मिलनी चाहिए, जो उन लोग के अकाउंट में जो कि आर्थिक मदद मिलती है वो सब चीज़ें कहाँ तक रही? जाके जब सभापति मैडम ने जब विजिट लिया तो वहाँ पर देखा कि जो बेंचेस होती हैं फाइबर की बेंचेस है और जो कि टूट चुकी है, ख़राब हो चुकी है। मुख्याध्यापक को पूछा तो बोला जैसा माल है अगर हम लेते नहीं तो वो भी नहीं आएगा। और जो स्लैब डालने का जो प्रपोजल पास था उसमें स्लैब की जगह पे उन्होंने लोखंड के पत्रे डाल के सीलिंग करके रखा हुआ है, वो भी टूट चुका है।
अगर हम ये इसकी सुधारना करने के लिए अगर मांग नहीं करते हैं, गलत है, तो क्या बोल सकते हैं किसी को कोई अभी? इससे अच्छा तो फिर इससे अच्छा राजीनामा देके घर पे बैठ जाते अगर काम करने की संधि नहीं है तो। शिक्षण समिति सभापति शुभांगी बहनवाल को मिले धमकी भरे पत्र के विषय में क्या है कहना शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी का, आइए जानते हैं। तुम्हाला माहिती पडलं तसेच मला पण माहिती पडलं, माहिती पडल्यानंतर मी येऊन इथे चौकशी केली, एक पत्र धमकीचं इथं आलेलं आहे। महिला सभापती आहेत आणि त्या शिवसेनेच्या महिला सभापती आहेत, त्यांना जर धमकी देण्याचा कोण प्रयत्न करत असेल तर ती गांडोगिरी आहे त्यांची। त्यांनी जे काही विषय असतील ते महिलांच्या विषय बोलण्यापेक्षा आमच्यासारख्याशी बोलावं आणि आम्हाला त्यांनी धमकी द्यावी। ती धमकी दिलेली आहे त्यांनी, त्याची चौकशी होईल। इथं CCTV आहेत, त्याच्या सगळ्या प्रकाराची चौकशी होईल आणि चौकशी झाल्यानंतर जो कोण असेल त्याला त्याची जागा दाखवली जाईल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।